नमस्कार, मैं हूं धनश्री, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो आईपीएल के शौक में चोर बन गया। क्राइम ब्रांच पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने महीने भर पहले योजना बनाई और योजना बड़ी टीवी में मैच देखने के लिए चोरी कर ली। उसने एलसीडी में मैच दिखाने उसने रॉब दिखाते हुए मोहल्ले वालों को बुलाया, पड़ोसियों को, क्राइम ब्रांच को सूचना दी, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। भोपाल में आईपीएल मैच के शौक में एक युवक को जेल की हवा खानी पड़ी। दरअसल हबीबगंज थाने में फरियादी चूड़ामल यादव एफआईआर दर्ज करवाई थी कि उनके एलईडी टीवी और 3 मोबाइल फोन चोरी हो गए। पुलिस ने जांच शुरू की तो जांच में क्राइम ब्रांच को कुछ संदेहों के बारे में पुख्ता सबूत मिले, जिसके आधार पर एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर हबीबगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया, जिसने अपना नाम आफताब खान बताया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने चोरी की वारदात करना कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया है कि आईपीएल मैच देखने के लिए उसने बड़ी स्क्रीन का एलईडी टीवी और मोबाइल फोन चोरी किए थे। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सूचना मिलने पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके बारे में सूचना थी कि इसके द्वारा थाना हबीबगंज क्षेत्र में चोरियां की गई हैं। चोरी की वारदात की एफआईआर होने पर इस व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया और उसके द्वारा अपनी घटना करना कबूल किया गया। इस आरोपी द्वारा एलसीडी चोरी करने के कारण यह था कि उसके द्वारा बड़ी एलसीडी टीवी पर आईपीएल का मैच देखना था। इसके लिए बड़ी एलसीडी टीवी घर में लगाई गई और उसको देखकर मोहल्ले में बाकी लोगों द्वारा सूचना दी गई। इस कारण ये घटना अपराध हमारे ज्ञान में आया और इस पर हमने कार्रवाई करते हुए हबीबगंज द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है, गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी गया एक वियो कंपनी का एंड्रॉइड मोबाइल और सैमसंग कंपनी की एलसीडी टीवी आरोपी से बरामद कर ली है। भोपाल से संवाददाता रईस खान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।